हेलो व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीखा, वेलकम बैक टू सीखाज मेकओवर। थंबनेल और इंट्रो देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग और एक रियल हेयर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो होने वाली है। और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्ट्रिक्स प्रोफेशनल की कैनवोलाइन स्ट्रेटनिंग क्रीम, फर्स्ट क्रीम और न्यूट्रलाइजिंग क्रीम। इंटेंस है ये जीरो नंबर क्रीम मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बाल जो है वो बहुत ज़्यादा कर्ली बाल है, मैगी कर्ल्स आप इसे बोल सकते हो। तो इस तरह के बालों पे किस तरह से हम करेंगे स्मूदिंग, आइए देखते हैं। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्ट्रिक्स की ही प्रोफेशनल कैनवोलाइन शैम्पू, मास्क और सिरम। तो किस तरह से हम करेंगे इस तरह के मैगी कर्ल्स वाले बालों को परमानेंट स्ट्रेट, आप लास्ट में देखोगे, इवन आपने पहले भी देखा होगा कि बहुत अच्छे से बाल स्ट्रेट हो चुकी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी शैम्पू और यहाँ पे मैं क्लेरिफाइंग प्यूरिफाइंग आप बोल सकते हो प्यूरिफाइंग शैम्पू यूज़ करूँगी दो बार। अच्छे से दो बार इमल्सिफाई करके आपको बहुत अच्छे से रिंस करके बालों को शैम्पू करना है ताकि बालों के क्यूटिकल्स जो है वो खुल जाए। तो दो बार मैं यहाँ पे शैम्पू कर रही हूँ, अच्छे से रिंस आउट करके आपको शैम्पू करना है। और शैम्पू करने के बाद हम करेंगे वॉश। वॉश करने के बाद हम करेंगे, अच्छे से आपको वॉश कर देना है, थोड़ा सा भी शैम्पू बालों में नहीं रहना चाहिए। और वॉश करने के बाद मैं करूँगी टॉवल ड्राई। टॉवल ड्राई कर लेने के बाद हमें करना है बालों को ड्राई। तो इस तरह से मैं बाल को ड्राई कर रही हूँ, आप देख सकते हो। और ड्राई करने के बाद हम करेंगे प्रेसिंग। अगर बाल नॉर्मल टू वेवी होती तो मैं प्रेसिंग नहीं करती, लेकिन यहाँ पे बाल जो है वो मैगी कर्ल्स बाल है, तो मैगी कर्ल्स वाले बालों पर थोड़ा सा आप प्रेसिंग कर ले तो उसके बाद आप क्रीम की एप्लीकेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे प्रेसिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हो पतला पतला सेक्शन मैं बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ, मैं बस मोटा मोटा सेक्शन ले रही हूँ और उस पर प्रेसिंग करते जा रही हूँ। इसी तरह से प्रेसिंग करना है, मोटे मोटे सेक्शन पे पूरे हेयर्स को प्रेस कर देना है ताकि आप जब क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे फर्स्ट क्रीम तो वो आप अच्छे से अप्लाई कर सको। और इस तरह से प्रेसिंग करना है, लाइट हैंड से प्रेसिंग करते जाना है। पूरे बालों को प्रेस करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन। तो मैं ले रही हूँ स्ट्रिक्स की ही स्ट्रेटनिंग क्रीम जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्रीम, और नंबर जो है वो है इंटेंस। यहाँ पे आपको इंटेंस क्रीम लेना है क्योंकि बाल जो है बहुत ज़्यादा कर्ली बाल है, मैगी कर्ल्स है बालों में। तो अप्लाई करने से पहले हमेशा ग्लव्स पहन ले, थोड़ा सा पाउडर लगा के आप ग्लव्स को आसानी से पहन सकते हो। ये नॉर्मल बात है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो चलो अब इस तरह से हम करेंगे स्ट्रेटनिंग क्रीम फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन। आगे से मैंने दो कानों के पास ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल लिया है और पीछे के सेक्शन में मैं इस तरह से सेक्शन निकालती हूँ पीछे से। जनरली आपने मेरे स्मूदिंग में देखा होगा कि मैं तीन सेक्शन निकालती हूँ, आगे से दो और पीछे से एक, और फिर मैं पीछे के सेक्शन में दो भाग उसे डिवाइड कर देती हूँ। इस तरह से मेरा काम थोड़ा सा मुझे आसान लगता है। अगर आपको फोर सेक्शन निकालना है तो बेशक आप आगे दो और पीछे दो निकाल सकते हैं और उसमें भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से मैं करती हूँ जनरली, फर्स्ट डे से मैं ऐसे ही करते आ रही हूँ। तो आप भी अगर ट्राई करना चाहो, ये काफ़ी आसान रहता है स्मूदिंग करते समय। तो इस तरह से मैं एप्लीकेशन करूँगी क्रीम की। आपको क्रीम हमेशा जड़ से एक इंच छोड़ के लगाना है, आप देख सकते हो मैंने जड़ से एक इंच छोड़ा है। क्रीम इस तरह से अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपको दो फिंगर की मदद से उसे पूरे हेयर्स पे फैला देना है और उसके बाद आपको इमल्सिफिकेशन करनी है और फिर आपको कम से भी उस क्रीम को पूरे हेयर्स पर फैला देना है। तो आप इमल्सिफिकेशन के दौरान एक बार कम भी यूज़ करोगी और इस तरह से हम करते हैं इमल्सिफिकेशन। इसे इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इमल्सिफिकेशन। और इस तरह से आप जब क्रीम की इमल्सिफिकेशन करते हो तो आपकी क्रीम जो है वो पूरे हेयर्स पे लग जाती है। मेन मोटो हमारा इमल्सिफिकेशन का यही होता है कि क्रीम पूरे हेयर्स पे लगनी चाहिए। इस वजह से हम कम भी यूज़ करते हैं और हम अच्छे से बालों को दो फिंगर की मदद से इमल्सिफाई करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी स्ट्रैंड छूट जाएगा क्रीम की एप्लीकेशन से तो वहाँ पे जो बाल है जैसे बाल है वैसे ही रहेंगे। तो इस वजह से हम अच्छे से क्रीम को लगाएंगे पूरे हेयर्स पे। और आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से क्रीम एप्लीकेशन कर रही हूँ। आपको क्रीम बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है लेकिन बहुत कम भी नहीं लगाना है, इतना लगाना है जितना कि आपके हर एक स्ट्रैंड पर लग जाए। आप देख सकते हो यहाँ पर क्वान्टिटी में कितनी ले रही हूँ और मेक श्योर कर रही हूँ कि मेरे पूरे हेयर्स पर क्रीम एप्लीकेशन अच्छे से हो रही है।
सिमिलरली जैसे हमने पीछे एप्लीकेशन किया उसी तरह से हम आगे की ओर भी ईयर टू ईयर सेक्शन में भी इमल्सिफिकेशन करेंगे क्रीम की और पूरे हेयर्स पे स्ट्रेट छोड़ेंगे बालों को। आप देख सकते हो कि मैंने जो भी बाल रेस्ट है, जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स होते हैं, उसे भी मैं अपने हाथों में समेट रही हूँ और उसे भी मैं क्रीम की एप्लीकेशन उस पर भी कर रही हूँ। इसी तरह से आपको पूरे हेयर्स पे एप्लीकेशन कर देना है और एक ही बार में बहुत सारा क्रीम आपको नहीं निकालनी होती है। हमेशा ध्यान रखें, जब भी कैरेटीन करते हैं या फिर मोदिंग करते हैं तो उस समय हम क्रीम थोड़ा थोड़ा निकालेंगे और फिर अगर आपको नीड हो तो आप फिर से निकाल लें। तो इस तरह से मैं करती हूँ स्मूदिंग और आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा लास्ट में। इवन आपने पहले भी देखा होगा कि कितनी अच्छी इनकी स्मूदिंग परमानेंट स्ट्रेटनिंग हुई है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे स्मूदिंग किया है केमिकल वाले हेयर्स पे, इवन हिना वाले हेयर्स पे बहुत सारे मैंने स्मूदिंग की वीडियोस डाली है। अगर आपको स्मूदिंग नहीं आती, अगर आप सीखना चाहते हो, बिगिनर्स हो, तो आप डेफिनेटली यहाँ से सीख सकते हो बहुत अच्छे से। अगर आप वीडियोस को देखोगे मेरी तो आपको डेफिनेटली स्मूदिंग की क्या थ्योरी होती है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से क्रीम अप्लाई करना है हेयर्स पे और वेट करना है 20 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे बाल जो है वो वेजिन बाल है। तो मैं 20 मिनट वेट करूँगी और वेट करने के बाद स्टार्ट करूँगी चेकिंग। चेकिंग का क्या प्रोसेस होता है मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताए हैं। हम बॉन्ड्स को खींचते हैं, हर एक स्ट्रैंड को खींचते हैं। जब बाल के एक स्ट्रैंड को हम लेके उसे खींचेंगे और उसमें एस वेव बनेगा, एस बनेगा तो समझ जाइए इलास्टिसिटी की तरह वो रबर की तरह तनकेगा। अगर ऐसा हो रहा है, इलास्टिसिटी आ गई है बालों पे, तो हमारी बालों की बाउंड जो है वो टूट चुकी है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि बालों में प्रोसेस हो चुकी है फर्स्ट क्रीम की। और फर्स्ट क्रीम की प्रोसेस हो जाने के बाद यहाँ पे मुझे 40 मिनट्स लगा था इनके बालों पे एस वेव आते आते। तो मैंने यहाँ पे 40 मिनट्स वेट किया और वेट करने के बाद मैंने स्टार्ट किया बालों की इमल्सिफिकेशन। थोड़ा सा पानी लेना है और बालों को 5 मिनट तक अच्छे से इमल्सिफाई करना है। इमल्सिफिकेशन करने के बाद हम करेंगे बालों को वॉश। वॉश करने के बाद लगाऊंगी थोड़ा सा मास्क और मास्क लगाने के बाद अच्छे से फिर करूंगी बालों को वॉश। पूरा आपको क्रीम मास्क निकाल देना है और फिर करना है टॉवल ड्राई। टॉवल ड्राई करने के बाद आपको करनी है स्ट्रेट ब्लो ड्राई। यहाँ पे ब्लो ड्राई जो होगी वो स्ट्रेट ब्लो ड्राई होगी। पहले हमने करी थी, किसी तरह से आप पहले कर सकते हो, लेकिन जब आप क्रीम एप्लीकेशन कर दो उसके बाद आपको स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है। और उसके बाद जो आता है मेन हमारा पार्ट, वो है प्रेसिंग, जिससे हम करेंगे बहुत फाइन सेक्शन लेते हुए। इस तरह से मैं फ़ाइन फाइन सेक्शन लूँगी और स्टार्ट करूँगी प्रेसिंग। बहुत अच्छे से प्रेसिंग करनी है। इवन जो आप आयरन यूज़ करोगे वो आयरन भी होनी चाहिए बहुत अच्छी वाली, मतलब अच्छी क्वालिटी की आप आयरन लो। मैं यहाँ पे आइकॉनिक की प्रो टाइटेनियम साइन रॉड यूज़ कर रही हूँ, जो कि प्रोफेशनल है और अभी तक की सबसे अच्छी रॉड है। तो आप इस रॉड को भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई भी और रॉड यूज़ कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप अच्छे से आयरनिंग करो। मेन पर्पस क्या है हमारा, हर एक बाल को हम अच्छे से सीधा करें और आयरनिंग जो हम कर रहे हैं वो बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे पतले पतले सेक्शन लेके आयरनिंग करूँगी। पतले पतले आयरनिंग में आप बिल्कुल भी टाइम अपना जल्दी जल्दी ना करें, क्योंकि आयरनिंग जो है वो मेन काम है हमारा यहाँ पे स्ट्रेटनिंग में। तो इस तरह से मैं आयरनिंग करती हूँ पतले पतले सेक्शन लेके और बहुत अच्छे से आयरनिंग करूँगी पूरे हेयर्स पे। और आप देख सकते हो कि जैसे हमने फर्स्ट क्रीम अप्लाई किया था उससे हमने बालों के बॉन्ड्स को तोड़े हैं, और सेकंड में जो हम क्या करेंगे वो होगा प्रेसिंग, जिससे हम बालों को फिक्स करेंगे, शेप में लाएंगे। जो शेप हमें देना है उस शेप में हम बालों को लाएंगे। और थर्ड में हम करेंगे वो होगा फिक्स, यानी कि न्यूट्रलाइज़र से हम बालों को जिस शेप में हमने रखा उस शेप में हम उसे फिक्स करेंगे। तो ये होती है स्ट्रेटनिंग की थ्योरी, जिससे हम जिस प्रिंसिपल पे स्ट्रेटनिंग हम लोग करते हैं। तो आप देख सकते हो किस तरह से मैं फ़ाइन फाइन सेक्शन ले रही हूँ और प्रेसिंग कर रही हूँ। बस इसी तरह से आपको प्रेसिंग करना है पूरे हेयर्स पे। आप देख सकते हो साइन बालों पे, जब आप अच्छे से ब्लो ड्राई कर लोगे, आप अच्छी आयरनिंग करोगे, तो ऑटोमेटिकली बालों पे बहुत अच्छा साइन आ जाता है।
प्रेसिंग करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि प्रेसिंग अच्छी नहीं हुई है, कभी कहीं से बाल स्ट्रेट नहीं है, तो आप फिर से प्रेसिंग कर लो। एक बार, दो बार, आप तीन बार तक रिपीट कर सकते हो प्रेसिंग को, और अच्छे से प्रेस हो जाने के बाद, पूरे बाल अच्छे से स्ट्रेट हो जाने के बाद ही आप स्टार्ट करोगे थर्ड प्रोसेस। तो आप देख सकते हो कि अच्छे से बाल स्ट्रेट हो चुकी है, प्रेसिंग बहुत अच्छी है, साइन भी बहुत अच्छी बालों में आ रही है। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट स्टेप, जो कि है हमारी न्यूट्रलाइजिंग। उसके लिए भी मैंने आगे से दो सेक्शन और पीछे से एक सेक्शन निकाला है, और पीछे के सेक्शन में मैं सेक्शन वाइज मैं इस तरह से पतले पतले सेक्शन लूँगी और फिर से स्टार्ट करूँगी न्यूट्रलाइजर की एप्लीकेशन। और न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन में आप अगर क्रीम जड़ पे भी लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्कैल्प पे भी अगर लग जाता है क्रीम तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो और यहाँ पे मैं ग्लव्स नहीं पहनती, जब मैं न्यूट्रलाइजर लगाती हूँ तो मैं ग्लव्स नहीं पहनती, जब मैं फर्स्ट क्रीम लगाती हूँ तो मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ। तो इस तरह से मैं करती हूँ। अगर आप चाहो कि आप ग्लव्स पहन के करो तो आप ग्लव्स भी पहन सकते हो। पतले पतले सेक्शन लेना है आपको, बहुत फाइन सेक्शन नहीं लेना है, बस नॉर्मल आप पतले पतले सेक्शन लेती जाओ और उसमें इस तरह से क्रीम लगा के मेन जो है आपको स्ट्रेट छोड़ना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप न्यूट्रलाइजर लगाते हो तो बालों को जो आप छोड़ोगे वो स्ट्रेट होनी चाहिए। आप देख सकते हो मैं वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियरली दिखा रही हूँ, बालों को मैं स्ट्रेट छोड़ रही हूँ। इस तरह से एप्लीकेशन करना है आपको, इमल्सिफिकेशन करना है, कम के साथ भी इमल्सिफिकेशन कर देना है, और बाल को जो हम छोड़ेंगे वो होगी बहुत ही स्ट्रेट। अगर क्लाइंट आपके इधर उधर हिल रहे हैं तो आप उन्हें बोले कि वो हिले नहीं, क्योंकि आप बाल यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। क्लाइंट को बोल दे आप 10 मिनट के लिए स्ट्रेट बैठना है आपको, और उस समय आपको गर्दन भी नहीं हिलानी है। तो इस तरह से हम करेंगे एप्लीकेशन, एकदम स्ट्रेट आपको बाल को नीचे छोड़ना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे नीचे छोड़ रही हूँ, कैसे एप्रॉन के साथ में यहाँ पे बालों को अच्छे से चिपका रही हूँ ताकि वो हो जाए फिक्स। तो इसी तरह से हम करते हैं न्यूट्रलाइजर की एप्लीकेशन। आप देख सकते हो मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट कर रखी है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और अब मैं करूँगी आगे ईयर्स के सेक्शन पे एप्लीकेशन। इस तरह से हम आगे के बालों को, ईयर्स टू ईयर पार्ट को हम ईयर टू ईयर सेक्शन में ही छोड़ेंगे आगे की ओर। इस तरह से करती जाऊँगी पतले पतले सेक्शन में एप्लीकेशन, और बालों को हम आगे की ओर और ही छोड़ देंगे, चिपका के आगे स्ट्रेट कर देंगे। तो इस तरह से पूरे हेयर्स पे न्यूट्रलाइजर की एप्लीकेशन कर देने के बाद हम रखेंगे इसे 20 मिनट तक, और 20 मिनट तक रखने के बाद करेंगे इमल्सिफिकेशन। जैसे हमने फर्स्ट क्रीम का किया था उसी तरह से हम 5 मिनट तक करेंगे इमल्सिफिकेशन, और इमल्सिफिकेशन करने के बाद कर देंगे वॉश और अप्लाई करेंगे मास्क। मास्क अप्लाई कर देना है, और मास्क को भी हम रखेंगे 5 मिनट तक, और रखने के बाद उसे फिर से करेंगे वॉश। अच्छे से वॉश करना है, पूरे क्रीम को रिमूव कर देना है, और उसके बाद वॉश करने के बाद हम करेंगे टॉवल ड्राई और फिर ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई जो हम यहाँ पे करेंगे वो होगी, पहले हम करेंगे कोल्ड हीट से, सबसे पहले हम कोल्ड हीट से करेंगे और ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे हीट को, और फिर ब्लो ड्राई करने के बाद अप्लाई कर देना है सीरम, और इस तरह से हमारी स्ट्रेटनिंग हो जाती है कंप्लीट। आपको क्लाइंट को बोलना है कि बाल को मोड़ना नहीं है, क्लच नहीं करना है, बाल में पसीना नहीं आने देना है, 48 आवर्स तक बालों पे पानी भी नहीं लगानी है। तो इस तरह से उन्हें प्रिकॉशंस बोलनी हैं कि वो बाल को स्ट्रेट ही रखे, क्लच ना करें। तो आप देख सकते हो इनकी स्ट्रेटनिंग कितनी अच्छी हुई है, बालों पे साइन भी आप देख सकते हो। जो आपने पहले देखा होगा इनकी हेयर्स की स्ट्रक्चर कैसी थी, मैगी कर्ल्स, और आप देख सकते हो अभी इनकी हेयर्स कैसी दिख रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी ये वीडियो, किस तरह से हम करेंगे परमानेंट स्ट्रेटनिंग, इस तरह के मैगी कर्ल्स पे कैसे हम करते हैं, क्या प्रोसेस रहेगी, ये वीडियो देख के आप डेफिनेटली समझ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे दिए गए वीडियोस इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज़ बनाने की, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन ऑन करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह के वीडियोस लेके आती रहूंगी, लेकिन वीडियोस देखने के लिए करना होगा सब्सक्राइब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी फ्रेंड्स, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज़।